सेंटर पे दिख रहा है कैमरा, कौन सा वाला? ये वाला मोशन का कैमरा। निशा जी बहुत बहुत स्वागत है, आज रिकॉर्डिंग चल रही है टकराव की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज से गानों की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और दो दिनों में हम लोग निकल रहे हैं शूटिंग के लिए, गुजरात के राजपिपला में फिल्म शूट होगी, तो मेरे लिए अच्छे वाव मोमेंट है, मेरे लिए अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। क्या कुछ सिनेमा घर में किस तरह के किरदार को बताएंगे? जैसा कि बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी मैं कुछ, हर फिल्म में मेरा कुछ ना कुछ अलग अलग कैरेक्टर प्ले करती हूँ, तो इस फिल्म में भी एक अलग कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, एक ऐसी लड़की का जो कि इस फिल्म में डबल रोल लाइक कि पहले तो पॉजिटिव होती है, फिर निगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव होती है, तो इसमें दोनों चीज़ें नज़र आएगी, मतलब हीरोइन भी और विलन भी, दोनों चीज़ इसमें मेरे कैरेक्टर में नज़र आएगा। अच्छा, रतन राहा के साथ इतना सिनेमा क्यों मिला, क्या कारण है? कारण ये बोल सकते हैं कि हम लोग सिर्फ मुझे ही नहीं, रतन राहा जी से जितने भी लोग जुड़े हुए, फिर चाहे वो राइटर हो, कैमरा डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन टीम हो, सभी लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, बिकॉज एक टीम वर्क करने में सबको अच्छा लगता है, एक बार जब हम लोग ट्यूनिंग बन जाती है तो सब लोग काम करते हैं साथ। अभी मैंने इनके साथ सबसे पहले कर्मयुग किया था, उसके बाद अभी बनारसी पहलवान किया है, और ये मेरी तीसरी फिल्म है इनके साथ टकरार। बिल्कुल टकरा नहीं हो, क्योंकि आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने, टकरा क्या चाहते हो तुम, जो भी एक काम कर रहे हो। अभिनेता राकेश मिश्रा जी हैं जो आपके नजर आ रहे हैं, हाँ। कैसा ट्यूनिंग है आपका उनके साथ? राकेश जी के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, हमने पहले एक फिल्म की थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हम लोगों को, हमारा जो गाना था। राकेश जी के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग है, क्योंकि हमने पहले भी काम किया है, हमारी एक फिल्म आई थी अभी लगभग एक साल पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसमें कि हम लोग साथ में काम किए, और एक गाना भी था जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, कुछ 3 मिलियन प्लस व्यूज़ भी गए हैं उस गाने के, तो अच्छा ट्यूनिंग है राकेश जी के साथ। आपका अब से सबसे बेहतरीन गाना कौन सा जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप हो? वैसे तो सारे गानों के अच्छे व्यूज़ है, किसी एक को नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी कंपनियों से गाए हैं और सभी किसी को कंपेयर नहीं किया किसका ज़्यादा किसका कम है, हर गाने को अच्छा रिस्पांस मिला। कोई गाना आपके द्वारा जो दर्शकों को सुना दीजिए जो आपका पसंदीदा गाना हो सुनाने को? हाँ। मैंने अभी एल्बम किया था जिसका ये गाना बहुत अभी चल रहा है, और जब भी मैं उधर शो करती हूँ बिहार यूपी में, तो इस गाने की हमेशा डिमांड होती है कि वर्ल्ड वाइड से मेरा गाना आया था, अरे यूपी बिहार के हाई कर जजन पढ़ा चली सा हो, हाँ यूपी बिहार के हाई कर जा जन पढ़ा चली सा हो, कि हम ता तो हरे हाई निशा बोला चाहे कही सा हो, हम ता तो हरे हाई निशा बोला चाहे कही सा हो। जहाँ तक मुझे पता है कि इस फिल्म में हमारे साथ बालेश्वर जी हैं और अयाज जी हैं, संजय पांडे जी हैं, राकेश मिश्रा जी तो है ही, आदित्य मोहन जी हैं, और कुछ नई लड़कियाँ भी हैं जो कि एज अ लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड काम कर रही है, और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं, मुझे सबके बारे में भी मुझे नॉलेज नहीं, इतने लोगों को मैं जान रही हूँ। फिल्म को लेकर क्या क्या तैयारियाँ की आपने? फिल्म को लेके अच्छे प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं बॉम्बे में, मैं भी क्योंकि लगन का टाइम था तो मैं गांव में थी, प्रोग्राम चल रहा था हम लोग का, तो स्पेशली मैं वहाँ का काम अभी प्रोग्राम ड्रॉप करके मैं यहाँ पे आई हूँ इसी फिल्म के शूट के लिए खास करके, तो अच्छी तैयारी चल रही है, तो अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। चलिए, तो आप अपना सुबह का काम करते हैं, जिम जाती हैं आप? थोड़ा बहुत। कौन ट्रेनर आपका? ट्रेनर से क्या करना है आपको? मुझे तो पहले आपको ट्रेनर की जरूरत है, वे तो ये जो आपका आ रहा है ना आगे से संस्कार बाहर आ रहा है आपका। जिम जाते कुछ बताएंगे? अभी कुछ दिनों से जिम नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि अभी लगन के टाइम में मेरे शोज हो रहे थे बिहार यूपी में, तो यहाँ बॉम्बे जब रहती हूँ तो परमानेंट जिम जाती हूँ, जब नहीं रहती हूँ तो फिर ड्रॉप हो जाता बीच में, तो अभी कुछ दिनों से छूटा हुआ है। हाँ, अभी मैं सावन करने वाली हूँ, क्योंकि अभी जुलाई में, जैसा कि जानते हैं, जुलाई में सावन चढ़ जाएगा, बाबा धाम जो हम लोग देवघर का एल्बम हर साल निकालते हैं, तो वो मैं करने वाली हूँ बहुत जल्द, आप सबके बीच में मेरे देवघर का भी एल्बम आने वाला बुलबम का। मूवी अभी तो टकरार के शूटिंग के लिए हम लोग जाने वाले हैं, इसके बाद और भी 3-4 मूवीज़ है जो कि लाइनअप है, लेकिन अभी क्योंकि कन्फर्म नहीं है, अग्रीमेंट नहीं हुआ, तो अभी नाम नहीं बोल सकती, लेकिन चीज़ें मेंटेन है, अभी हो सकता है आगे भी लगातार ऐसे करते रहोगे। अच्छा,
अच्छा भोजपुरी में कल्पना जी जो सिंगर है कुछ ऐसा कुछ है आपका कुछ उनसे कुछ टोन मिलता है उनके बारे में कुछ कहेंगे? मैंने बोला कि मेरा टोन कल्पना जी से मिलता है। एक्चुअली मैं उनको मतलब गुरु बोल सकती हूँ, मैंने उनको देख के गाने की शुरुआत की थी। उनकी जब उनका जब एल्बम आया था गो निम्बू अधू चार गो मिर्ची लटकाला छोटी में, उसमें मैं स्कूल में पढ़ती थी और उस समय से फिर मैंने उनको देख के गाना शुरुआत किया स्टार्ट किया। तो गाइड मतलब गुरु है वो मेरी, उनकी तरह कोशिश करती हूँ। आवाज़ तो मेरी नहीं मिलती, आज संजय जी ने बोला इनको मैं मिठाई खिलाऊंगी, तो कोशिश है मेरी कि उनके जैसे गा पाऊँ। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, आप सब मुझे इस तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहे और थैंक यू सो मच। और जो लोगों ने BBC भोजपुरी बॉलीवुड और भोजपुरी बातें सभी चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब अपना आशीर्वाद प्यार दुलार ऐसे देते रहे, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.